हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली 7 साल की दिव्यांशी को गूगल सलाम कर रहा है। दिव्यांशी की एक पेंटिंग बाल दिवस पर गूगल के होम पेज पर डूडल के रूप में छाई रही। गूगल हर साल 14 नवंबर को डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता आयोजित करता है और इस साल प्रतियोगिता की थीम थी व्हेन आई ग्रो आई होप रखी गई। इनसे मिलिए, ये है दिव्यांशी सिंघल, जिनकी एक पेंटिंग बाल दिवस पर गूगल के होम पेज पर डूडल के रूप में छाई रही। इस पेंटिंग में दिव्यांशी ने प्रदूषण से पर्यावरण पर असर को दिखाया था। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली 7 साल की दिव्यांशी दूसरी क्लास की छात्रा है। दिव्यांशी को पेड़ पौधों से बेहद लगाव है, जिसकी झलक इनकी पेंटिंग में भी दिखती है। दिव्यांशी ने डूडल में पेड़ पौधों को जूते पहनाकर चलते हुए दिखाया और इसे वॉकिंग ट्री का नाम दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर पेड़ चल सकते हैं तो फिर पेड़ जलेंगे नहीं, फिर सूखा बढ़ता जा रहा है हम लोग की वजह से, हम उन्हें काटते जा रहे हैं, इसलिए अगर हम उन्हें नहीं काटे तो सूखा नहीं बढ़ेगा। गूगल हर साल 14 नवंबर को डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस साल प्रतियोगिता की थीम व्हेन आई ग्रो आई होप रखी गई थी। प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त और सितंबर महीने के बीच में हुआ था। दिव्यांशी ने यह डूडल सितंबर में गूगल को ऑनलाइन जमा कराया था। गूगल ने इसके रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए। इसमें 20 फाइनलिस्ट चुने गए थे, जिनमें दिव्यांशी का नाम भी शामिल था। गूगल ने चुनी गई पेंटिंग की 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ऑनलाइन वोटिंग कराई थी। इनमें सबसे ज्यादा वोट दिव्यांशी की पेंटिंग को मिले और गूगल ने उसे राष्ट्रीय विजेता चुना। दिव्यांशी को गूगल की तरफ से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। गूगल डूडल की ये कंपटीशन साल में एक बार होता है, वो अपना थीम हमें खुद ही बताते हैं। इस बार की जो थीम थी कि काश जब मैं बड़ी हो जाऊं तो ऐसा हो जाए। तो पहले हम कुछ सोच रहे थे, ये सोच रही थी कि कुछ केयरिंग के लेकर बनाएं, फिर पता नहीं अचानक इसके मन में आया, इसके स्कूल में भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था प्लांट्स को लेकर, कि मम्मी प्लांट्स आजकल खत्म होते जा रहे हैं, बेचारों को हम पानी नहीं दे पाते हैं जब हम कहीं घूमने चले जाते हैं, सूख जाते हैं, तो काश अगर उनके पैर होते हम उनको अपने साथ ले जाते कहीं, तो हमें ये ऐसे आजकल जो मास्क लगाना पड़ रहा है वो नहीं लगाना पड़ता। तो इन्हीं सब चीजों को जोड़ते हुए इसको ये एक थीम लगी। दिल्ली एनसीआर जो लगातार स्मॉग की चादर से ढका हुआ है, जहां के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 को छू चुका है, वहां एक बच्ची की ऐसी पेंटिंग गंभीर संदेश देती है। टीम न्यूज़ नेशन।